आज यूसुफ ने देख लिया था। मैंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो पसंद कर लो, जब तुम पास हो जाओगे मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बदल गई हो, तुम बहुत बदल गई। 6 महीने से तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा हो गई हैं। जैसे तुम्हें सुकून मिल गया हो। क्या पता मैं खुश हूं? मैं नहीं जानता मुझे इस पर खुश होना चाहिए कि नहीं। तुम अपनी खुशियों की बुनियाद दूसरों के दुख के ऊपर रख रही हो। ऐसा ना बोलो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। चिनार के लिए मैं वाकई बहुत अफसरदा हूँ। उसकी जहनी हालत ठीक करने के लिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरी हमदर्दी रद्द कर दी तो मैं क्या करूँ फिर? मैं भी हर चीज जाने दूँ? भाई को देखें, वो तो बिखर ही गए हैं। भाई के लिए ये शादी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। वो मुसलसल दुख में है, मुसलसल टेंशन में। चिनार के दर्द में भाभी भी टूट सी गई हैं। मैदान तुम्हारे लिए खाली है। इल्जाम लगाने के बजाय एक दफा तो मेरी खातिर खुश हो सकते हो, है ना? कितनी अच्छी और बड़ी कंपनी का मुस्तकबिल मेरी बीवी के हाथों में है, ये सोचकर तुम फखर महसूस कर सकते हो। देखो, काम की वजह से मैं फैमिली निग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ। इन सब बातों के बावजूद मैं चाहती हूँ कि हमारा दूसरा बच्चा हो। क्या मेहमत तुम ऐसा नहीं चाहते हो? क्या तुम पागल हो? बच्चे के मामले में तुम मेरी हसासियत को जानती हो। मैं कितनी दफा तुमसे भीख मांगता हूँ कि यूसुफ के लिए एक सिबलिंग कर लेते हैं। मैं एक बेटी के लिए कितना तरसता हूँ, क्या तुम नहीं जानती रेहान? तो फिर बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते। मिस्टर अरकान, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक अमीर आदमी का रोल अदा करें। ये आदमी मुल्क से बाहर रहता है, मुल्क से बाहर उसकी कंपनीज हैं, बहुत अमीर है, लेकिन साथ साथ वो बहुत अकलमंद और एक कल्चर्ड आदमी है। उस आदमी के दिमाग में एक औरत है जिसको वो अपने हाथ में करने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, सूटेबल है। ठीक है, फिर हमने एग्री कर लिया। अगर हम पैसों के मामलात पर भी बात कर लें तो फिर हम प्रोजेक्ट की तफसीलात पर भी बात कर सकते हैं। आप किसी ड्रामे का बोल रही थी? ओ, छोड़ो उस ड्रामे को। ये बताओ, तुम लोग वीकली चार्ज करते हो? नहीं, हर किस्त का चार्ज करते हैं। मेरे ख्याल से मुनासिब होगा कि आप लोगों को हर महीने 20,000 रुपए दूं। ये हमारे लिए फिट है। वैसे ये कौन सा ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं, एक हकीकत है। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि आप एक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाएं। फर्ज करें कि आप ड्रामा ही कर रहे हैं, मतलब उसमें आपका एक रोल है, कैमरे भी होंगे और आप अपना हुनर दिखाएंगे और मैं इसी के आपको पैसे दूंगी। लेकिन इकबाल मैडम, ऐसी बात तो नहीं हुई थी। क्या माँ को भी कमरे में आने के लिए इजाजत लेना होगी? मॉम मैं कपड़े पहन रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीटी, तुम अब भी मेरे लिए बच्चे हो। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी फिक्र हो रही है, क्या तुम ठीक हो? तुम
कप कपा क्यों रहे हो? बहुत देर से कुछ खाया नहीं असल में, और ब्लड शुगर डाउन हो रहा है, इसलिए असल में गाड़ी में कुछ चीजें खाई थी लेकिन उससे अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर तुम अपने आप को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैं भी कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ। नहीं मॉम, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। इकराम साहब, तुम्हारे प्यारे अंकल क्या तुम्हें कोई अकल नहीं देते कुछ खाने पर? आप खुद पूछ लें उनसे। करीम, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा मैं बात नहीं करूंगी। करीम, तुम और यास्मीन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, ये बात तुम जानते हो। हर दिन आप याद दिलाती हैं मॉम, कैसे भूलूंगा, आप भी हमारा अब सब कुछ हैं। उसे मत भूलना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सो गई क्या? ओ मेरी प्यारी बेटी, कैसा रहा आज का चेकअप? बहुत अच्छा। इकबाल मैडम ने हर चीज का पूछा। ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा? लाले काफी हेल्दी है, हमें सिर्फ उसकी फीट को देखना होगा। अच्छा है, याद रखना सबसे ऑर्गेनिक चीजें ही इसको फीड करवाना। मैंने किचन में इस हवाले से सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, लेकिन तुम भी इस पर फॉलो अप रखना। मैं किसी किस्म की गलती नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि लाले का ख्याल रखा जाए। ओके मैडम। ओके थैंक यू, तुम आराम कर सकती हो।